जनपद मुरादाबाद में पुलिस लाइन में तैनात एक दरोगा और सीओ स्तर के अधिकारी के बीच गाड़ी टकराने को लेकर विवाद तूल पकड़ता जा रहा है। पहले दरोगा ने उसके साथ की गई अभद्रता की शिकायत उच्च अधिकारियों से कर दी। उत्तर प्रदेश पुलिस के एक दरोगा ने सीओ पर गंभीर आरोप लगाते हुए जान से मारने की धमकी दी है। दरोगा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में दरोगा धमकी देते हुए यह भी कह रहा है कि उसे जेल जाने से भी डर नहीं है। उसके घर में मंत्री भी हैं, सांसद भी हैं और विधायक भी। वीडियो के वायरल होने के बाद एसपी सिटी ने इसके लिए जांच के आदेश दिए हैं। मुरादाबाद में पुलिस लाइन में तैनात एक दरोगा सचिन दयाल और सीओ देवेंद्र यादव की गाड़ी टकराने को लेकर हुआ विवाद तूल पकड़ता जा रहा है। पहले दरोगा ने सीओ पर अभद्रता का आरोप लगाते हुए उच्च अधिकारियों से शिकायत की। इसके बाद दरोगा ने वीडियो वायरल करते हुए सीओ को सामने आने पर सरकारी पिस्टल से गोली मारने की धमकी दे डाली। दरोगा सचिन दयाल ने अपना एक वीडियो वायरल करते हुए अभद्रता करने वाले सीओ स्तर के अधिकारी देवेंद्र यादव को सामने आने पर अपनी सरकारी पिस्टल से गोली मारने की धमकी दे डाली। पहले आप भी देखिए वायरल वीडियो। वायरल वीडियो में दरोगा सचिन दयाल कहते दिख रहे हैं कि मेरी गाड़ी में गलती से बैक गियर लग गया था और गाड़ी सीओ की कार से टकरा गई थी। अपनी गलती मानते हुए सीओ से माफी मांगी, लेकिन सीओ ने जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए वर्दी उतरवाने की धमकी दी, जिसकी शिकायत एसपीआरए साहब को दी गई है। दरोगा ने आगे कहा कि साहब ने जांच करने की बात कही है। मैंने कहा साहब जांच नहीं करवाई, या मुरादाबाद से मुझे निकाल दो या सीओ साहब को निकाल दो। मैंने कहा कि अगर मेरे सामने पड़ गए तो सरकारी पिस्टल से सीधे गोली मार दूंगा। दरोगा ने आगे कहा कि मुझे जेल की चिंता नहीं है, मेरे घर में विधायक भी हैं, सांसद भी हैं और मंत्री भी हैं। फिलहाल इस प्रकरण के चलते सीओ देवेंद्र यादव तो अभी तक मीडिया के सामने नहीं आए हैं, लेकिन दरोगा सचिन दयाल के इस धमकी भरे विवादित वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए देर रात मुरादाबाद पुलिस अधीक्षक नगर अमित आनंद का कहना है कि व्हाट्सएप पर एक वीडियो संज्ञान में आया है। ये सचिन दयाल का है, जिसे यह पिछले 8-9 महीने से पुलिस लाइन मुरादाबाद में नियुक्त है। इनके द्वारा एक विवादित बयान दिया गया है, जिसकी जांच कराई जाएगी और जांच के आधार पर अग्रिम विविध कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। मैं मूल रूप से मेरठ का निवासी हूं। क्या नाम है? मेरा नाम सचिन दयाल चौधरी है। मैं मेरठ का निवासी हूं, सुभाष नगर गली नंबर 12, मकान नंबर 588। कल सुबह उधर नाली में थूक दिया। कल सुबह की एक बात हुई छोटी सी। 7:45:68 पर मैं रिजर्व पुलिस लाइन मुरादाबाद में जा रहा था अपनी निजी गाड़ी से, वैगनार HR 26S7788। 7 मेरी गाड़ी बंद हो गई। पेट्रोल उसमें पूरा था, लेकिन उसके सस्पेंशन में कोई दिक्कत थी, जिस वजह से वो गाड़ी थोड़ी सी बैक मार गई। तो मैंने वो गाड़ी स्टार्ट करी तो वो गलती से बैक गियर डल गया, और वो बैक गियर डलते ही वो गाड़ी थोड़ी सी बैक होकर पीछे से सीओ साहब की गाड़ी आ रही थी, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो यहाँ मेरी गलती है। मैंने उन सीओ सर से हाथ जोड़े, पैर पकड़े, रोया, माफी मांगी। तो उन साहब ने मुझसे ये कहा कि बेटा तेरा नाम क्या है? मका जी मेरा नाम है सचिन दयाल। उनको भाई कौन लोग हो तुम? मका जी मैं तो जाटा हूँ। अच्छा, उनका ठीक है बेटा, अगर तेरे चमार की तेरी वर्दी उतार दूंगा आज मैं। तुम सालों भर्ती हो गया भोसड़ी वालों, तेरी वर्दी उतारूंगा भोसड़ी के, तेरी माँ की चूत और तेरी बहन की। उन्होंने गंदी भाषा का प्रयोग करा और मैंने एसपीआरए साहब के सामने मैंने अपनी एप्लीकेशन दी, उन्हें लिख के दिया। एसपीआरए साहब ने मुझे आश्वासन दिया और ये मुझसे ये कहा कि बेटा तुम तो अपनी नौकरी करो और मैं उनकी जांच करवा दूंगा। तो मैंने उनसे एक बात कही, मका साहब जांच नहीं करवानी, या तो मुरादाबाद से मुझे निकाल दो या सीओ साहब को निकाल लो। अगर मैंने कहा मेरे सामने पड़ गए तो सरकारी पिस्टल से सीधी गोली मार दूंगा।
चाहे मैं जेल जाऊं या कोई भी जावे, बाकी मेरे घर में विधायक भी हैं, सांसद भी हैं और मंत्री भी हैं। और ओपी शर्मा जो आज की डेट में उत्तर प्रदेश जिले के जो डीजीपी साहब हैं, उनसे मेरी बात है। राम राम। क्या मामला है सर? इस संबंध में एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है, उस प्रार्थना पत्र की जांच कराई जा रही है और जांच में आए सूचनाओं के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। ये एक व्हाट्सएप पे एक वीडियो संज्ञान में आया है। ये सचिन दयाल है, ये पिछले 8-9 महीने से पुलिस लाइन मुरादाबाद में नियुक्त है। इनके द्वारा एक विवादित बयान दिया गया है जिसकी जांच कराई जाएगी और जांच के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सीओ देवेंद्र कुमार यादव पीटीसी मुरादाबाद के। क्यों कही गंदी बात आते हैं? उन्होंने मुझसे इसलिए कह दी क्योंकि ऐसा वो गाड़ी से थी ना, वो हल्की साइड लगी है और मैंने उनसे ये कह दिया। मैं साहब जो जो दो पैसे लग रहे हैं मुझसे ले लो या मैं करवा दे लूँगा। तो उन्होंने मुझे ये कह दिया उनको पैसे वाला बंदा। अच्छा। मगर नहीं साहब, मगर जी मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ। तो कहने लगे उनको तेरी वर्दी उतरवा दूँगा। मगर ठीक है भैया, उतरवा दूँ। अच्छा, घटना कहाँ पर हुई थी? पुलिस लाइन MT के सामने। आप कहाँ पर तैनात हैं? मैं रिजर्व पुलिस लाइन मुरादाबाद में हूँ आज की डेट में। क्या नाम आपने? मेरा नाम है सचिन दयाल चौधरी। इन्होंने बहुत गंदी बात कही मुझसे, जाति सूचक शब्द ऐसा बोल दिया कि मैंने कल तो मैं जहर पी गया लेकिन आज नहीं पीऊंगा। तो कोई कार्रवाई करेंगे आप इनके? मैं मुकदमा लिखाऊंगा या तो मुझे जेल में डाल दो या उन्हें। तो अभी तक कोई किसी अधिकारी का इस बार कोई तहरीर या प्रार्थना पत्र? तहरीर मैंने इंस्पेक्टर साहब हैं हमारे सिविल लाइन के, उन्हें मैंने दे दी है और SP महोदय SPRA महोदय को दे दी है। कप्तान साहब छुट्टियों पे हैं, परसों आ जाएंगे तो मैं उनसे मिलकर बातचीत, जैसा वो आदेश करेंगे ऐसा हो जाएगा काम। बोल क्यों सर? मैं दुश्मन नहीं हूँ उनका, लेकिन उनकी गलती की सज़ा मैं उन्हें दूंगा। जरूर, वो अपनी गलती नहीं मान रहे, वो अपनी गलती नहीं मान रहे। 59 साल की उम्र में वो CO हैं और मैं 25 साल की उम्र में मैं दरोगा हूँ। जब मेरी उम्र होगी ना 55 साल तो मैं कप्तान बनकर रिटायर हूँ। दयाल चौधरी जी, क्या था पूरा मामला? क्या पूरा मामला था, क्या हुआ? सर ऐसा हुआ था, कल मेरी ड्यूटी लगी थी रामपुर, 8 मुलजिम थे, 1 महिला थी, 7 सिपाही और 1 हेड कॉन्स्टेबल साहब थे। तो मैं रिजर्व पुलिस लाइन में PI जो होती है हमारे यहाँ पे डिपार्टमेंट में, कोई PI नाम से कागज होता है तो उसे लेके जाना होता है जेल में। तो इसीलिए इसीलिए मैं पुलिस लाइन में मैं गया था साहब। तो एक श्रीमान जी हैं CO साहब, जिनका नाम है देवेंद्र कुमार यादव। मैंने मेरी गाड़ी बंद हो गई थी, तो उस गाड़ी बंद होने के दौरान मेरा जो गियर था हल्का सा पीछे हुआ और वो गाड़ी मेरी हल्की सी बैक हुई, तो उनकी गाड़ी पे छोटी सी डस्टिंग आई। तो वो उधर के आए और उन्होंने मुझसे कहा कि भाई क्या नाम है तेरा? मैं कहा साहब सचिन दयाल नाम है। उन्होंने कहा कौन लोग हो? पद क्या है? मानका साहब मैं सब इंस्पेक्टर हूँ, 2016 बैच है, 2016 का भर्ती हूँ। तो उन्होंने कहा उनके घोसड़ी के चलो चलो, उन्होंने कहा मुझसे कि ओए चमार के ये तो तेरी वर्दी उतार दूँगा सामने। मैंने कहा ठीक है सर। उसके बाद मैंने उनके हाथ जोड़े, उनके मैंने पैर पकड़े, हाँ इधर तो और उसके बाद हाथ जोड़ के पैर पकड़ के मैंने उनसे कहा, मैंने कहा मेरी वर्दी शाम तक गई। फिर क्या हुआ? फिर मैं आ गया। तो आपने क्या करा फिर? मैंने श्रीमान जो महोदय हैं हमारे, क्या नाम, SPRA साहब हैं, मैं उनके सामने पेश हुआ। उन्होंने मुझे आश्वासन ये दिया है कि बेटा आप अपनी नौकरी करो, कार्रवाई हम करते हैं। क्या आप उनके खिलाफ? फिर आपने कोई थाने पे, थाने सिविल लाइन में कोई तहरीर भी दी थी? हाँ, सिविल लाइन में मैंने तहरीर दे दी है और मैं कार्रवाई ये चाहता हूँ कि या तो जनपद मुरादाबाद में सचिन दयाल चौधरी रहेगा या वो रहेंगे CO। अच्छा, तो आप इस समय क्या चाहते हैं, मतलब मुकदमा चाहते हैं? इस समय मैं चाहता हूँ कि मुकदमा लिखा जाए और समक्ष कार्रवाई हो करें और विवेचना किसी ऐसी वरिष्ठ अधिकारी को दी जाए जो समक्ष पूर्ण समाधान कर सके। ठीक। क्या मामला है सर? इस संबंध में एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है, उस प्रार्थना पत्र की जांच कराई जा रही है और जांच में आए सूचनाओं के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।